अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स पढ़ेंगे आज हम। फार्माकोलॉजी की पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला, इम्यूनोलॉजी की तो ख़त्म करते हैं इम्यूनोलॉजी को। अब तो तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन है, कंप्रोमाइज़ आप भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें है इम्यूनोसप्रेसेंट्स के, इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं पहले ये हमें पता होना चाहिए। जैसा कि वो नाम खुद बता रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो ये वो वाली ड्रग्स होंगे जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे। तो वो वाली डिजीज जो इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून के सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं उनको क्या करेगी, सप्रेस करेगी। उनका जो फंक्शन है, उनकी जो एक्टिवेशन है उनको करेंगी कम, दैट आर कॉल्ड द इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग्स। ठीक है, तो ये इम्यूनो सप्रेसेंट्स के बारे में उसके लफ्ज ही मीनिंग था कि क्या होते हैं। इसकी रीडिंग देखिए, एजेंट्स दैट ब्लॉक लैम्फोसाइट एक्टिवेशन, जो जो लैम्फोसाइट्स हैं, बी लैम्फोसाइट्स, टी लैम्फोसाइट्स, उनकी जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन एक्टिवेट होते थे ना, यहाँ से एंटीजन आती थी, एमएससी क्रॉस के जरिए एक्सप्रेस होती थी, यहाँ से टी सेल्स और यहाँ से बी सेल्स, सॉरी ये एक्टिव होते थे, टी सेल्स एक्टिव होते थे, बी सेल्स भी एक्टिव। लेकिन जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग है वो इनको एक्टिव नहीं होने देती, इनको एक्टिव नहीं होने देती। एंड प्रोलिफरेशन, और ये प्रोलिफरेट होते थे, इंटरल्यूकिन 2 यहाँ से निकलता था और इसी के ऊपर एक्ट करता था, और ये प्रोलिफरेट होते थे, अपने आप को नंबर में बढ़ाते थे तो वो इसको नंबर में नहीं बढ़ने देते। ठीक है, रिड्यूस एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इसमें क्या है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या थी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या थी डॉक्टर जुबैर, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या थी, कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ये थी कि बैर से हमने कुछ भी उसको दिया तो वो उसको एज ए एंटीजन लेके उसके खिलाफ बी या टी सेल्स बन जाते थे और उसके क्या कर देते थे, किलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। यही थी नहीं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन यही होती है ना, कि हमने कोई चीज उसके अंदर ट्रांसप्लांट की है तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर बी सेल या फिर टी सेल्स उसी ट्रांसप्लांट जो हमने चीज की है उसके खिलाफ बन रहे हैं और उसकी कर रहे हैं किलिंग, उसको मार रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये बी सेल और टी सेल्स की तादाद कर देते हैं कम, इनको एक्टिव नहीं होने देते। जब ये एक्टिव नहीं होंगे तो ऑफकोर्स जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो भी तो कम हो जाएगी। नहीं समझ आई, समझ आ गई है, बाकी बात है। अब जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं चीजें उसमें ये बी सेल और टी सेल्स एक्टिव होकर रिजेक्शन देते हैं ना, जब बी सेल्स ही नहीं होंगे तो रिजेक्शन होगी नहीं, तो रिजेक्शन कम हो जाएगी। बाई सप्रेसिंग सेलुलर इम्यूनिटी, हम सेलुलर इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, इसमें सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, जो उसकी सेल्स की इम्यूनिटी, जो सेल्स की इम्यूनिटी है उसको हम क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। यूज्ड एज प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस क्या होता है, प्रोफिलैक्सिस ये होता है कि, हाँ हाँ जी डॉक्टर कैसे, वेरी गुड वेरी गुड, वो ये है कि आप पहले से कुछ उसको दे और जो उसका डिजीज है उसको प्रिवेंट कर ले, डिजीज को क्या कर ले, प्रिवेंट, यानी एक प्रिवेंशन के तौर पर आप करते हैं। देखिए, आपके पास हो रही थी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, आपको पता था कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होनी है, तो आप उस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को ठीक करने के लिए आपने क्या दिया डॉक्टर मुस्तफा, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी। जब इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आपने दी तो बी और जो टी सेल्स हैं उनकी एक्टिवेशन नहीं हुई, या बी और टी सेल्स क्या हो गए, कम हो गए। हाँ, अगर आप ट्रांसप्लांट ठीक करना चाहते, लफ्ज क्या आ रहा है, प्रोफिलैक्सिस, तो प्रोफिलैक्सिस क्या होता है, पहले दी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होनी है, आपको डाउट है, या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होने लगी है, आपने क्या देने है उसको, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देने। इम्यूनो, उसमें भी आप दे सकते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, वहां पर भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपके बी एंड टी सेल जो एक्टिव हुए हुए हैं, ठीक है, वो उनकी किलिंग कर रहे हैं, जो आपके ट्रांसप्लांट आपने जो ऑर्गन किया है उसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे, बी और टी सेल्स जो एक्टिव थे वो उनकी तादाद कम हो जाएगी, मजीद वो एक्टिव नहीं होंगे, तो जो रिजेक्शन थी वो ठीक हो जाएगी। समझ आ गई है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस, ठीक है, कि हम जो है ना उसको प्रिवेंट करते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या होते हैं, नाम खुद बताते हैं, इम्यून सिस्टम को जो सप्रेस करेंगे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे। तो देखें यहाँ पर बी एंड टी सेल्स को वो क्या कर रहे हैं, सप्रेस ही कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स बोलते होते हैं। ये हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसप्लांट जब रिजेक्शन हो रही हो, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसमें रिजेक्शन आ रही है, तो हम ये ड्रग्स देंगे और ये ड्रग्स बी एंड टी सेल्स को क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी इम्यून सेल्स को, तो वो हमारी जो रिजेक्शन है वो ठीक हो जाएगी।
समझ आ गया। उसके बाद है फ्रीक्वेंटली कंबाइंड टू अचीव ग्रेटर एफिकेसी विद लेस टॉक्सिसिटी। वो कहते हैं फ्रीक्वेंटली कंबाइंड, इनको अक्सर इकट्ठे जो दो तीन अमीनो सप्रेसर्स को इकट्ठे मिला दिया जाता है, कंबाइंड उनको दिया जाता है कि लेट्स सपोज हमारे पास साइक्लोस्पोरिन है, हमारे पास टैक्रोलिमस है, वो कहते हैं इन दोनों को इकट्ठे मिला दो, कंबिनेशन दो, ताकि जो इनकी एफिकेसी है वो बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, काम अच्छा करें और टॉक्सिसिटी यानी साइड इफेक्ट्स कम है। एफिशिएंसी अच्छी हो और टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स कम है, ठीक है, ये बात वो बता रहा है। क्रोनिक सप्रेशन, वो कहते हैं अगर आप ज्यादा देर के लिए क्रोनिक सप्रेशन, अगर आप ज्यादा देर के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते रहेंगे तो आपके बी एंड टी सेल्स जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो तो हद से ज्यादा उनका काउंट कम हो जाएगा ना। जब उनका काउंट कम होगा तो इन बी एंड टी सेल्स का काम क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट आपको बचाना होता है, ऐसे होता है ना, तो आपको किसी भी इन्फेक्शन से ये बचाते हैं, या फिर मैलिग्नेंसी ट्यूमर वगैरह हो रहे हैं उससे भी बी एंड टी सेल्स बचाते हैं। तो अगर आपके ये बी एंड टी सेल्स कम हो गए, क्यों कम होंगे, क्योंकि आपने क्रोनिक सप्रेशन की है, एक लंबे अरसे तक आपने उसको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए हैं। जब एक लंबे अरसे तक आप उनको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे तो बी एंड टी सेल्स का काउंट बहुत कम हो जाएगा, तो इम्यून सेल्स कम हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, तो आपको इन्फेक्शन के और मैलिग्नेंसी ट्यूमर के कैंसर का रिस्क जो है ना वो बढ़ जाएगा। समझ आ गई है, ये सिंपल सी बातें लिखी हुई थी इम्यूनो सप्रेसेंट के बारे में, मैंने बस आपको बता दिया क्या होते हैं। ये एजेंट्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन को कम करते हैं, ठीक है, और ये आपकी ट्रांसप्लांट जो रिजेक्शन होती है उसको भी कम करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। प्रोफिलेक्सिस होते हैं कि एक चीज को इन्फेक्शन होने से पहले ही हमने उसको प्रिवेंट कर लिया, और इनको अक्सर हम इकट्ठे यूज करते हैं ताकि इनका इफेक्ट ज्यादा हो और टॉक्सिसिटी कम हो। और अगर ज्यादा देर के लिए हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते रहेंगे तो इनके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा और प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाएगा। समझ आ गया, लाजमी नहीं, हाँ तब भी दे सकते हैं। अगर हमने ट्रांसप्लांट की है और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो रही है तो, हाँ अगर रिजेक्शन हो रही है और किसी जगह पर हम बी एंड टी सेल्स को कम करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई कैंसर है, बी सेल्स का कैंसर है, टी सेल्स का कैंसर है, हम उनको कम करना चाहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोमा है, हम लिम्फोमा की तादाद कम करना चाहते हैं, तो हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स देंगे ताकि बी एंड टी सेल्स कम हो जाए। तो इस तरह भी हम मतलब वहां पर भी यूज कर सकते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स को, ऑटो इम्यून डिजीज में भी हम यूज कर सकते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग डिजीज मेडिसिन पढ़ेंगे और उनके अलग अलग जो है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो ड्रग है वो है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन सबसे इसमें जो मुश्किल होता है वो है नाम याद रखना। तो आप ऐसे देख लें कि साइक्लोस्पोरिन साइकिल है, ठीक है, और स्प्रिंग का सीजन है, आप साइकिल लेके बाहर जा रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, कितना मजा आता है तहसीन स्प्रिंग के सीजन में साइकिल चलाना, तो ये साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, या फिर नहीं अकेले साइकिल पे अकेले होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइक्लो का मतलब साइकिल और स्पोरिन का मतलब आप स्पोर भी ले सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में जरा पौधों के जरूर सा होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। अच्छा अच्छा इधर आ जाए, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ से इम्यूनो सप्रेसेंट्स टारगेट्स यहाँ से समझते हैं एक एक करके, ठीक है। इसमें पता क्या होता है, पहले एक मैकेनिज्म समझ ले, हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि ये हमारे पास मैक्रोफेज है, ये कोई एंटीजन है, एंटीजन अंदर गई और इसने एमएससी क्लास के जरिए उसको एक्सप्रेस किया, ऐसे होता है ना डॉक्टर मुस्तफा, ऐसे होता है ना। यहाँ से टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स इनको किसके जरिए एक्सेप्ट करते हैं, याद करें जरा, किसके जरिए, टीसीआर, सीडी3 और सीडी4 भेजते हैं सिग्नल, ठीक है, ये चीज याद है ना, अगर ये चीज याद है तो आगे आ जाए। अच्छा, इसके बाद जब एक्टिव हो जाता था सेकंड सिग्नल आ जाता था, याद है सेकंड सिग्नल के बाद यहां से इंटरल्यूकन 2 निकलता था और वापस इसी के ऊपर एक्ट करता था, जैसे टी सेल्स के ऊपर, ये चीज नहीं याद, मैं रिपीट कर देता हूं, देखें टी सेल थे टीसीआर, सीडी3 और सीडी4, ये पहला सिग्नल, सेकंड सिग्नल इधर से आता था बी7, इधर से आता था सीडी28, तो ये टी हेल्पर सेल 2 बन जाता था, याद है टी हेल्पर सेल 2। अब टी हेल्पर सेल 2 से एक चीज निकलती थी इंटरल्यूकन 2 और इंटरल्यूकन 2 दोबारा वापस आके इसी टी हेल्पर सेल 2 के ऊपर एक्ट करती थी, किसके जरिए, याद करें इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर के जरिए, इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर के जरिए जब इस पे एक्ट करती थी तो ये प्रोलिफरेट करता था, ज्यादा सेल बन जाते थे, याद है डॉक्टर मुस्तफा,
डॉक्टर ईशा याद है कि ये प्रोलिफरेट करते थे फिर? तो ये चीज अगर आपको याद है तो अभी आपको डायग्राम या समझ आ जाएगी, ठीक है? ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? पहले ये मैकेनिज्म इसका सिंपल से समझ ले, सिंपल सिंपल इसकी फिजियो समझ ले, ठीक है? फिजियो ही समझ ले, इसका नॉर्मल फंक्शन समझ ले, फिर हम डिटेल में जाते हैं। देखिए ऊपर से एमएससी क्लास शो हुई टीसीआर CD3 और CD4, ये वही बात बता रहा है। जब क्लास शो हुई तो ये सिग्नल जब अंदर आता है तो ये सिग्नल आता है कैल्सी न्यूरन के पास। किसके पास? कैल्सी न्यूरन। वो जो मैं डिटेल में जा रहा हूँ थोड़ा, जो हमने थोड़ी देर पहले पिक्चर बनाई है। अब कैल्सी न्यूरन एक प्रोटीन होती है आपके सेल्स के अंदर, कैल्सी न्यूरन एक प्रोटीन है आपके सेल्स के अंदर। अब कैल्सी न्यूरन का काम क्या होता है? कैल्सी न्यूरन का काम होता है कि आपका एक न्यूक्लियर फैक्टर AT पड़ा हुआ है, NFAT, इसकी डी फास्फोरिलेशन कराती है। ये क्या कराती है? इसकी डी फास्फोरिलेशन। डी फास्फोरिलेशन क्या होती है? डी का मतलब उतार देना, कम कर देना। ये NFAT, देखिए पी लगा हुआ है इसके ऊपर, पी, ये इसका पी रिमूव कर देगी। पी क्या कर देगी? रिमूव। जैसे ही पी रिमूव होगा आप ये क्या बन जाएगा? NFAT। तो कैल्सी न्यूरॉन का काम क्या हुआ कि NFAT की डी फास्फोरिलेशन कराती है, उसका जो फास्फेट ग्रुप है वो रिमूव कराती है। फास्फेट ग्रुप जब रिमूव होता है तो ये क्या बन जाता है? NFAT। अब फर्क क्या है NFATP में और NFAT में? फर्क क्या है? NFATP जिसकी फास्फोरिलेशन हुई पड़ी है, जिसकी फास्फोरिलेशन हुई पड़ी है, जिसके पास फास्फेट है, वो अनएक्टिव है। वो क्या है? इनएक्टिव है। वो क्या है? ये एक्टिव नहीं है। हाँ जी, अब ये NFAT क्या है? एक्टिव है, ठीक है? दोबारा समझ ले कि कैल्सी, ये TCR के जरिए पैगाम किसके पास आ जाता है? कैल्सी न्यूरॉन के पास। कैल्सी न्यूरॉन एक प्रोटीन है, ये क्या करती है? NFAT की डी फास्फोरिलेशन कराती है, इससे फास्फेट ग्रुप रिमूव कराती है और इसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में तब्दील कर देती है। अब NFAT इसकी क्या है? एक्टिव फॉर्म है। समझ आ गया है? अब ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? हु इज द जीनियस डॉक्टर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? नाम खुद बता रहा है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? DNA से क्या बनता होता है? RNA। और ट्रांसलेशन क्या होती है? RNA से क्या बनता होता है? प्रोटीन बनती होती है। ये सारा काम कराता कौन है? ये एक फैक्टर काम कराता है, उसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या नाम होता है उसका? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो चुका है। ये आके आपके इस DNA की क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन। RNA बन जाएगा, उसी RNA की क्या कराएगा? ट्रांसलेशन। क्या बन जाएगा? प्रोटीन्स। लेकिन कौन सी प्रोटीन्स बनाता है यहां पर? इंटरल्यूकिन 2। याद है कि इंटरल्यूकिन 2 मैंने भी डायग्राम बनाई है कि जब वो एक्टिव होता है तो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करता है, फिर यही इंटरल्यूकिन 2 यही इंटरल्यूकिन 2 वापस आके उसी के ऊपर एक्ट करता है। बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बताया मैंने, याद है? अब ये इंटरल्यूकिन 2 जो बना है ये इसी से निकलता है और इसी के ऊपर एक्ट करता है। ये देखे इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए आ गया, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। अब ये इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए इसी के ऊपर एक्ट करेगा। अब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के मजीद आगे क्या होता है? अब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर आगे पैगाम भेजते हैं MTOR के पास। MTOR होता है मैमलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, मैमलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। ये मैमलियन तो आप लिख लेंगे, टारगेट भी लिख लेंगे, आप भी लिख लेंगे रैपामाइसिन। ये ड्रग होती है मैमलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। ये रैपामाइसिन क्या होती है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी सिर्फ नाम देख ले बस। अब ये इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर किसके पास जाएगा? MTOR के पास। अब MTOR का काम क्या है? जिस तरह कैल्सी न्यूरॉन का अपना काम था, वो भी एक प्रोटीन थी, इसका काम है कि ये जीन्स की प्रोलिफरेशन कराता है। क्या कराता है? जीन्स की प्रोलिफरेशन। जीन्स की प्रोलिफरेशन का मतलब है सेल्स की क्या कराता है? प्रोलिफरेशन कराता है। हमने कहा था ना कि ये इंटरल्यूकिन 2 इसी से बनता है और इसी के ऊपर एक्ट करता है और इसकी क्या कराता है? प्रोलिफरेशन। तो ये देखे इंटरल्यूकिन 2 बना और वापस इसी के ऊपर एक्ट किया। कैसे एक्ट किया? कि जीन्स की करा दी प्रोलिफरेशन। तो यही जो सेल था टी सेल, इसकी क्या हो जाती है? प्रोलिफरेशन। तो एक टी सेल से कई टी सेल्स बन जाते हैं, वो भी एक्टिव टी सेल्स बन जाते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन समझ आ गया है? पक्की बात है? मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ।
जीन्स प्रोलिफरेशन के, जब जीन्स प्रोलिफरेट करेंगे तो मतलब आपके सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, आपके टी सेल्स प्रोलिफरेट। जीन्स प्रोलिफरेशन क्या होती है कि आपका जो सेल की डिवाइड होना है, डीएनए का डिवाइड होना है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना है, वो डिवीजन बढ़ जाएगी, माइटोसिस बढ़ जाएगी, तो सेल डिवाइड होना शुरू हो, उसकी प्रोलिफरेशन होगी। ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ऊपर से सिग्नल आया, एमएससी क्लास शो हुई, एमएससी क्लास ने एंटीजन शो कराई टी सेल को, वो टीसीआर सीडी3 सीडी4 फर्स्ट सिग्नल सेकंड सिग्नल आएगा, ये पैगाम देंगे कैल्सी न्यूरिन को। कैल्सी न्यूरिन क्या करेगी कि डी फास्फोरिलेशन कराएगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NFAT की डी फास्फोरिलेशन होगी। अब ये एक्टिव फॉर्म बन जाएगा NFAT, NFAT आएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और कौन सी प्रोटीन बनवाएगा, इंटरल्यूकिन 2 साइटोकाइन बन जाएगा। अब हमने कहा है कि इंटरल्यूकिन 2 साइटोकाइन जिससे बनता है वापस भी, लेकिन किसके जरिए, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए एक्ट करेगा। अब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर आगे पैगाम देते हैं एमटीआर को, मैमलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन को। अब ये क्या करते हैं, ये जीन्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं। जब जीन्स की प्रोलिफरेशन होती है मतलब टी सेल्स या बी सेल्स की क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है, वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं, तादाद में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह जब एमएससी क्लास ऊपर से शो होगी तो आपके टी सेल्स इस तरह प्रोलिफरेट करते हैं। समझ आ गया, नहीं समझ आया? डॉक्टर मुस्तफा इसका मोबाइल ले लें, डॉक्टर जुबैर का। ऊपर से एमएससी क्लास शो हुई, जब एमएससी क्लास शो हुई तो टीसी3 ठीक है, टीसीआर सीडी3 और सीडी4 ये फर्स्ट सिग्नल, ये होगा। आगे पैगाम किसके पास जाएगा, कैल्सी न्यूरॉन के पास। कैल्सी न्यूरॉन एक प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, NFATP की डी फास्फोरिलेशन कराना, इससे फास्फेट ग्रुप रिमूव कराना और ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा NFAT में। NFAT का काम क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और कौन से साइटोकाइन्स प्रोटीन्स पैदा करेगा, इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 वापस इसी के ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन किसके जरिए, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए। इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर किसको पैगाम देंगे आगे, एमटीआर को। एमटीआर क्या करेगा, जीन्स की प्रोलिफरेशन कराएगा। जीन्स की प्रोलिफरेशन मतलब जो टी सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, प्रोलिफरेशन हो जाएगी। उसी सेम सेल के ऊपर, दैट इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जिस सेल ने इंटरल्यूकिन 2 बनाया है उसी सेल के ऊपर एक्ट करेगा वापस आके, यहां से रिलीज हुआ है। दैट इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने बार बार ये वर्ड यूज किया था कि जिससे बना उसी के ऊपर एक्ट किया। समझ, ये नॉर्मल फंक्शन समझ आ गया। अब हम फार्माकोलॉजी अप्लाई करेंगे, ऐसे भागते भागते आपको समझ आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आपने कर लिया सारा, बस अब समझे आपने इम्यून सिस्टम की फार्माकोलॉजी कर ली है, इसी के ऊपर फार्माकोलॉजी अप्लाई होती है। सबसे पहली ड्रग है आपकी साइक्लोस्पोरिन, वही साइकिल वाली मिसाल, स्पोर वाली ले लें या स्प्रिंग वाली ले लें, जो भी है। अब साइक्लोस्पोरिन हमारी बॉडी में, जब हम साइक्लोस्पोरिन पेशेंट को देते हैं, वो साइक्लोस्पोरिन रिसेप्टर के जरिए अंदर दाखिल हो जाती है सेल में। जब वो सेल में पहुंची तो हमारे सेल में एक प्रोटीन पड़ी होती है जिसका नाम होता है साइक्लोस्पाइलिन प्रोटीन। अब हमारा जो, हमने जो ड्रग दिया कौन सी, साइक्लोस्पोरिन, ये जाके साइक्लोस्पाइलिन के साथ बाइंड कर जाती है, अब इनका एक कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, ये कम्प्लेक्स बन गया। अब इस कम्प्लेक्स का काम क्या होता है, कम्प्लेक्स कौन सा है, साइक्लोस्पोरिन साइक्लोस्पाइलिन कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स करता है, इनहिबिट करता है किसको, कैल्सी न्यूरॉन को। जब कैल्सी न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगी, क्या ये NFAT की डीफास्फोरिलेशन होगी, क्या NFAT बनेगा, क्या आपका इंटरल्यूकिन 2 बनेगा। जब इंटरल्यूकिन 2 ही नहीं बनेगा तो क्या इधर इंटरल्यूकिन 2 एक्ट कर पड़ेगा, क्या इसकी प्रोलिफरेशन होगी, क्या आपके टी सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी, क्या वो नंबर में बढ़ेंगे, नहीं। तो मतलब टी सेल्स क्या हो गए, सप्रेस हो गए, क्या हो गए, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, इसीलिए इसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग बोलते हैं। समझ आ गया कि नहीं डॉक्टर मुस्तफा, रिपीट करूं एक बार, समझ आ गया, पक्की बात है, रेस्पॉन्स करें डॉक्टर जुबैर, गुड, हो गया। ये आपकी थी साइक्लोस्पोरिन का एक्शन, किधर इसको ओके करें, चले जी, ये समझ, साइक्लोस्पोरिन समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद आपकी दूसरी ड्रग होती है टैक्रोलाइमस ड्रग। अब टैक्रोलाइमस ड्रग क्या होता है, टैक्रोलाइमस ड्रग का दूसरा नाम होता है FK506। अब इसको FK506 क्यों बोलते हैं, ये बाइंड कर, ये होती है FK बाइंडिंग प्रोटीन, FKBP। FKBP का मतलब FK बाइंडिंग, BP से क्या होता है, बाइंडिंग प्रोटीन।
अब ये जो हम टैक्रोलाइमस देते हैं ये जाके एफ के बीपी जो कि एक बाइंडिंग प्रोटीन है, एफ के बीपी एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो आपके एफ के साथ बाइंड करती है, ये जाके उसके साथ मिल, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। देखे देखे हमने ड्रग दी टैक्रोलाइमस, अब टैक्रोलाइमस जाके जुड़ती है एफ के बीपी के साथ। आप कहेंगे एफ के बीपी क्या है, एफ के बीपी एक बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या है, एक बीपी से क्या होता है, बाइंडिंग प्रोटीन, इसको भूल जाए, टैक्रोलाइमस को भूल जाए। एफ के बीपी क्या है, एक बाइंडिंग प्रोटीन है, जो बाइंडिंग प्रोटीन है जो किसके साथ बाइंड करती है, एफ के साथ, किसके साथ, एफ, नाम खुद बता रहा है एफ के बाइंडिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन जो एफ के साथ बाइंड करेगी। अब जब हम टैक्रोलाइमस देते हैं, टैक्रोलाइमस ड्रग, टैक्रोलाइमस ड्रग जाके आपके एफ के बीपी इसी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाती है, इसी जो जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है उस प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाती है। अच्छा, इसको दूसरा नाम एफ के 506 बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके साथ बाइंड कर रही है, एफ के बीपी के साथ, इसी बेस पे इसको दूसरा नाम एफ के 506 बोलते हैं। ओके हो गया। अब ये टैक्रोलाइमस हमने ड्रग दी, ये एफ के बीपी के साथ जाके बाइंड करेगी, जब ये बाइंड कर जाएगी इसका अगला काम है वही सेम कैल्सिन्यूरिन को, जब कैल्सिन्यूरिन इनहिबिट हुई है तो क्या मुझे पता है इसकी डीफास्फोरिलेशन होगी, क्या ये एक्टिव फॉर्म में जाएगा, क्या इंटरल्यूकिन 2 बनेगा, जब इंटरल्यूकिन 2 ही नहीं बनेगा क्या यहाँ पे वो एक्ट कर पाएगा, क्या प्रोलिफरेशन होगी, नहीं होगी प्रोलिफरेशन, तो दैट्स इट। तो इसीलिए टैक्रोलाइमस को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग बोलते हैं, समझ आ गया, पक्की बात है, आगे बढ़े हम लोग। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो कौन सी है, वो है हमारे पास है बेसिलेक्सिमैब या टेक्लिज़ुमैब, बेजिल इसकी वर्डिंग देख लें, बेजिल एक्सीमैप, ये अक्सर याद करने में बड़ा मुश्किल सा होता है, बेजिल एक्सीमैप और डेक्लेजो मैप, ठीक है, ये आखिरी वाले मैप कर ले, पीछे वाले हो जाएंगे बेजिल एक्सीमैप और डेक्लेजो मैप। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम सिंपल सा है, इन्होंने इनहिबिट करना है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स को। चलें जी, वो कहता है मैं ये वाला एक्शन सारा होने देता हूं, मैंने ये वाली, मैं ना तो उसको साइक्लोस्पोरिन देता हूं ना मैं उसको टैक्रोलाइमस देता हूं, ये वाला एक्शन होने दो, इंटरल्यूकिन 2 बनने दो। अब इंटरल्यूकिन 2 जब बन गया, इंटरल्यूकिन 2 ने वापस आके इसी पे एक्ट करना था इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर के जरिए, लेकिन आपके जो बेसिलेक्सिमैब थी और टेक्लिज़ुमैब थी, इन्होंने इंटरल्यूकिन 2 जो रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर दिया है। जब इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स ही काम नहीं कर रहे तो मुझे आप बताएं इंटरल्यूकिन 2 इसके ऊपर एक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या एमटोर एक्टिव होगा, नहीं होगा। क्या जींस की प्रोलिफरेशन होगी, तो होगी ना सप्रेशन, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हो गई। तो इस तरह आपकी जो डेक्लिज़ुमैब या फिर आपकी बेसिलेक्सिमैब है, ये भी क्या होती है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है, और ये उसका एक्शन है कि इस तरह एक्शन कर अपना काम करती होती है, समझ आ गया। उसके बाद है हमारे पास सीरोलेमस ड्रग, इसको रेपामाइसिन जब हम पढ़ रहे थे, इसको रेपामाइसिन भी बोलते होते हैं, ठीक है, और सीरोलेमस ड्रग भी बोलते होते हैं। अब जब हम सीरोलेमस या फिर रेपामाइसिन ड्रग देते हैं, इसका काम क्या होता है, ये किसके साथ जाके बाइंड करती है, एफ के बीपी, एफ के बाइंडिंग प्रोटीन जो भी हमने इधर पढ़ी है, ये उसके साथ जाके बाइंड करेगी। जब उसके साथ जाके बाइंड करेगी तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है कि एमटार को इनहिबिट कर देना, जब एमटार इनहिबिट होगा तो क्या जींस की प्रोलिफरेशन होगी, नहीं होगी। जब जींस की प्रोलिफरेशन नहीं होगी तो क्या टी सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद ये अपना एक्शन शो करेंगे, ये अपना एक्शन अकेले में शो नहीं कर सकती, पहले ये जाएंगी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स पड़ी हुई है उनके साथ बाइंड करेंगी, फिर अपना एक्शन शो करेंगी, समझ आ गया। तो ये उसके साथ बाइंड करेंगी, फिर एमटार को इनहिबिट करेंगी, फिर जींस की प्रोलिफरेशन को ये मतलब इस तरह रोक देती है, तो टी सेल्स प्रोलिफरेट नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है, टारगेट रेपामाइसिन, ऐसे समझ ले। अच्छा, इधर देखें एजिथ्योप्राइन, एजिथ्योप्राइन एक जैसे ही हम एजिथ्योप्राइन देते हैं तो ये बॉडी में जाके चेंज हो जाती है 6-मरकैप्टोप्यूरिन में, 6-मर, ये ऊपर लिखा होगा यहां से आप लोग देख सकते हैं कहां पे ये लिखा हुआ है, मरकैप्टोप्यूरिन, ये 6-मरकैप्टोप्यूरिन, ये इसका प्रीकर्सर होती है। जैसे हम हमने क्या दी, एजिथ्योप्राइन दी, ये चेंज हो जाती है 6 MP में। अब 6 MP का काम क्या होता है,
सिक्स एमपी का काम होता है कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पी आर पी पी इमाइनो ट्रांसफरेज। पी आर पी पी ये होता है फास्फोराइबो पैरोफास्फेट, फास्फोराइबो पैरोफास्फेट इमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। फिर रिपीट कर रहा हूं, पी से हो गया फास्फो, आर से हो गया राइबो, पी से हो गया पैरो, पी से हो गया फास्फेट, फास्फोराइबो पैरोफास्फेट इमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम होता है जो आपकी प्यूरीन प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरीन पेरिमिडिन्स का पता है, वो जो डबल रिंग सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती है, ठीक है। अगर नहीं पता तो डिटेल में हम इसको बायोकेम में पढ़ेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। इधर ये देख लें, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डॉक्टर ईशा पता है ना प्यूरीन पेरिमिडिन्स का, ये जो प्यूरीन पेरिमिडिन्स है ये उनकी सिंथेसिस में काम आता है। ये पी आर पी पी माइडो ट्रांसफरेज एंजाइम प्यूरीन की, ये बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है डिटेल में, डी नोवो प्यूरीन सिंथेसिस, वहां पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में इसको टॉपिक को, डिटेल में इसको बोलते हैं डी नोवो प्यूरीन सिंथेसिस। प्यूरीन बनती कैसे है, उसका जो सारा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डी नोवो प्यूरीन सिंथेसिस। अब आपका जो 6MP है ये इस एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो आपकी प्यूरीन सिंथेसिस नहीं होती। मुझे बताएं प्यूरीन किस में, न्यूक्लियोटाइड्स में काम आती है, और न्यूक्लियोटाइड्स किसके सब यूनिट्स होते हैं, जीन्स के, डीएनए के। जब आपके न्यूक्लियोटाइड्स ही नहीं बनेंगे, क्या आपके जीन्स की प्रोलिफरेशन होगी, क्या आपके डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, नहीं होगी। आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, तो क्या जब डीएनए टी सेल्स का डीएनए ही रेप्लिकेट नहीं कर रहा, तो क्या टी सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस तरह आपके टी सेल्स क्या हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स। मैं इसको रिपीट करता हूं, जिथ्रोप्राइन को, जिथ्रोप्राइन प्रीकर्सर होता है जो कि चेंज हो जाता है 6MP में। 6MP इनहिबिट करता है पीआरपीपी माइटोट्रांसफरेज एंजाइम को। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो आपकी प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस नहीं होती। जब इसकी सिंथेसिस नहीं होती तो आपके डीएनए की रेप्लिकेशन भी नहीं होती। जब डीएनए की रेप्लिकेशन ही नहीं हो रही, मतलब आपके टी सेल्स की रेप्लिकेशन नहीं हो रही, तो टी सेल्स प्रोलिफरेट नहीं करते। एम आई क्लियर डॉक्टर मुस्तफा, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, है आसान सा, है ना, आसान सा, सिंपल सा। अच्छा, उसके बाद एक और ड्रग है मैकोफिनोलेट। मैकोफिनोलेट का काम क्या, ये सीधा जाके इनहिबिट करती है एक एंजाइम है जिसका नाम है इनोसिन 5 मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। इनोसिन 5 मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये देख ले मैंने लिखा है ऊपर, इनोसिन 5 मोनो, लिखाई समझ नहीं आ रही, चलो आवाज पर गुजारा करें। इनोसिन 5 मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज IMP से, आई से हो गया इनोसिन, एम से हो गया 5, MP से हो गया 5 मोनोफास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम भी कहां इन्वॉल्व होता है, आपकी प्यूरीन सिंथेसिस में, यही डी नोवो प्यूरीन सिंथेसिस पाथवे में, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये मैकोफिनोलेट जाके, आपको समझ तो आ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये मैकोफिनोलेट इसको जाके इनहिबिट कर देगा। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो आपके प्यूरीन की न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होगी, नहीं। क्या डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, नहीं। तो इस तरह आपका जो सारा मैकेनिज्म क्या हो जाता है, ठप हो जाता है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग बोलते होते हैं। समझ आ गया। अच्छा, वो कौन सी ड्रग है साइंस की दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में, जो एंड स्टेज पे दी जाती है, जो एंड स्टेज पे दी जाती है, वो कौन सी ड्रग है जो हम कहते हैं कि अब एंड स्टेज है, एंड स्टेज पे कौन सी ड्रग्स देते हैं, स्टेराइड्स। डॉक्टर मुस्तफा वेरी गुड, स्टेराइड्स बोलते हैं ना कि जब एक डिजीज का कोई सलूशन ही नहीं मिल रहा, कैंसर के पेशेंट को आखिर में स्टेराइड्स देते हैं, जब मतलब कोई कहते हैं कि यार आपको असल में स्टेराइड्स है उसको, क्योंकि स्टेराइड्स के साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं, वो होती है आपकी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ये आपके स्टेराइड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, देखें NF कैपा बी, याद करें जरा, तुम्हें याद हो क्या, ना याद हो, हमें याद है जरा जरा, NF कैपा बी का काम क्या था, NF कैपा बी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता था, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, याद करें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, याद है वो जो वेजोडिलेशन कराते थे, मार्जिनेशन कराते थे, वो इम्यून सेल्स को बाहर लेके आते थे, कीमोटेक्टिव फैक्टर लेके आते थे, जिन्होंने ये लेक्चर लिया उसको याद होगा हल्का हल्का। तो इन्फ्लेमेटरी साइट जो आपके NF कैपा बी है, ये क्या कराता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज कराता है, ये सारे
इनका काम क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कराना, टी सेल्स को तादाद में बढ़ाना, बी सेल्स को तादाद में बढ़ाना, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना। तो यही समझ लें कि आपका एनएफ कैपा बी क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कराते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। समझ आ रही है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। अब क्या होगा, आपने दिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेराइड्स दिए। जब हम स्टेराइड्स देते हैं, स्टेराइड्स आपके एनएफ कैपा बी को जाके इनहिबिट, जब एनएफ कैपा बी इनहिबिट तो क्या आपके ये साइटोकाइंस बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्या आपके इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जीन्स एक्टिव होंगे, नहीं होंगे, वो इनहिबिट हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, इनहिबिट। तो आपका इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, आपके बी एंड टी सेल्स सप्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह हम लास्ट में स्टेराइड्स देते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जाके बिल्कुल सप्रेस हो जाता है। जो भी डिजीज हो रही होती है वो उसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा ये, पेन भी कम हो जाएगा। आपके जो पैथोजेंस हैं वो तो अटैक करेंगे, ठीक है, वो तो करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स है आपके इम्यून सिस्टम को जो कम कर देंगे, इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब जैसे कैंसर है, हाँ, पेन को क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके जो बी कैंसर होता क्या है, ब्लड कैंसर है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स तादाद में बढ़े हुए हैं, ये इम्यून सेल्स बढ़े हुए हैं, आपके बी सेल टी सेल्स तादाद में बढ़े हुए हैं, हमने स्टेराइड्स दिए तो बी एंड टी सेल्स कम हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स खुद ब खुद आपको पेन भी कम हो जाएगा। नहीं समझ आई, चले जी, ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं, ठीक है, तमाम ड्रग्स की, कि अब यूज कहाँ कहाँ होती है और इनके साइड इफेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। मैकेनिज्म तो आपको समझ आ गया ना, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब हम देखते हैं इनकी रीडिंग जरा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, साइक्लोस्पोरिन ड्रग, या ग्रीन सा कलर पकड़ते हैं इसके लिए रीडिंग के लिए। ये कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर होता है, अभी हमने पढ़ा है, बाइंड्स साइक्लोस्पोरिन, ये भी हमने पढ़ा है, ब्लॉक्स टी सेल एक्टिवेशन बाय प्रिवेंटिंग इंटरल्यूकिन 2 ट्रांसक्रिप्शन, कि इंटरल्यूकिन 2 का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था उसको ब्लॉक कर रहे थे, इंटरल्यूकिन 2 नहीं बन रहा था। इंडिकेशंस, आप इसको सीरियोसिस में यूज कर सकते हैं, रिमेटाइड आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं। सीरियोसिस क्या होती है, ये आपके स्किन पे इचिंग स्किन रैशेस से वो बन जाते हैं, ये वो एलर्जी टाइप एच स्किन बन जाती है, खुजली सी, हाँ, तो उस, हाँ, उससे आपको ये उसके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो आपको एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं, ठीक है, तो आप देंगे तो एलर्जिक रिएक्शन जरा कम होगा, तो आपकी इचिंग या एलर्जिक जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाएगा। रिमोटाइड आर्थराइटिस, ये किस वजह से होती है, ये होता क्या रिमोटाइड आर्थराइटिस, ज्वाइंट्स की इन्फ्लेमेशन, वही कि आपके इम्यूनो सप्रेसेंट आप देंगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, कुछ याद हो क्या ना याद हो, ये याद होना चाहिए कि आपके जो साइक्लोस्पोरिन है इसका साइड इफेक्ट क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बुक वाले ने भी इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है, देखे उसने भी इसको हाईलाइट, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसका, इसकी टॉक्सिसिटी है नेफ्रॉन में, मतलब कि आपके किडनी के प्रॉब्लम्स काज करेगा, आपके किडनी में जो है ना आपके जो इम्यून सेल्स है वो कम हो जाएंगे, जब इम्यून सेल्स कम होंगे तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वहां पे ये ड्रग टॉक्सिक होती है, किडनी आपकी रिमूव नहीं कर सकती उसको, उस वजह से भी हो सकता है। ये तो नहीं है कि प्रोफ्लेक्सिस के तौर पर हर जगह पे यूज कर रहे हैं, हम इसको इम्यून सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, इम्यून सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं। पैथोजेंस तो फिर होंगे, वो अपने इन्फेक्शन दिखाएंगे, और ये वैसे टॉक्सिक है कि आपको एक टॉक्सिसिटी काज करा देगी, जैसे कोई पॉइजन होता है, समथिंग लाइक दैट। नहीं समझ आ रही, सप्रेस करना है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी तो पैथोजन की किलिंग होगी, अब वहां पे इन्फ्लेमेशन ही नहीं हो रही तो आपका किडनी डैमेज होगा ना, या फिर ये टॉक्सिक है, ये हम कहते हैं एक चीज हद से बढ़ जाए तो वो टॉक्सिक हो जाती है, जहरीली हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। समझ आ गई है, बस आप डिटेल में ना जाए, अब सिर्फ इतना याद करें कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी हाइपरटेंशन कराती है, ठीक है, अब सिर्फ इनके ये याद कर ले बस, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडिमिया,
आपके जो हाँ लिपिड्स वो जाना आपके बढ़ जाएंगे। न्यूरोटॉक्सिसिटी सीएनएस की टॉक्सिसिटी कारण आ सकती है। गिंगिवल हाइपरप्लेशिया ये क्या होता है? गिंगिवल हाइपरप्लेशिया ये आपके जो आपके जो जम ये नहीं होते हैं दांत के ऊपर, ये जो है ना टिश्यू दांत के ऊपर वाले जम्स टिश्यू है, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। इवन कितने बड़े हो जाते हैं, आपके दांत भी छुप जाते हैं। ये आपके दांत होते हैं ना खूबसूरत, ये आपके खूबसूरत से दांत होते हैं ना, इनके ऊपर गम्स होते हैं, होते हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि आपके दांतों को भी क्या कर लेंगे, छुपा देंगे। ठीक है, हाइपरप्लेशिया क्या होता है? हाइपरप्लेशिया इंक्रीज नंबर ऑफ इंक्रीज, तो आपके जम्स के जो सेल है मतलब वो ना गम्स के सेल्स बढ़ जाएंगे और वो नीचे मतलब दांतों के ऊपर शो हो रहे होंगे, ऐसे ज्यादा नंबर उनके बढ़े होंगे। समझ आ रहा है ना? अच्छा, ये अगला लफ्ज क्या है? हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या होता है? हिर्सुटिज्म क्या होता है? हिर्सुटिज्म ये होता है कि फीमेल्स के अंदर होती है, आपने देखा होगा फीमेल्स की जो फेस है, फीमेल्स का फेस ये उनकी बाज दफा मर्द की तरह की मूछें होती है, उनके चेस्ट पे बाल होते हैं मर्द की तरह के, उनकी बैक पे मर्द की तरह के बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। ठीक है, उसके बाद आपकी टैक्रोलिज्म क्या होती है? कैल्शियम इनहिबिटर होती है, बाइंड्स FK506 बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये FK506 के बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करती है, ब्लॉक्स टी सेल एक्टिवेशन बाय प्रिवेंटिंग इंटरल्यूकिन 2 ट्रांसक्रिप्शन, सेम इसका फंक्शन था, और सिमिलर टू साइक्लोस्पोरिन इसके साइड इफेक्ट्स भी सेम है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, नो गिंगिवल हाइपरप्लेशिया और हिर्सुटिज्म, ये इसमें ये नहीं होगी, ये इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये हाँ डायबिटीज का रिस्क फैक्टर इसमें बढ़ जाएगा, ये आपके इंसुलिन को यानी ये वहां पे डैमेज कर सकता है, उसकी ट्रांसपोर्ट को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये इंसुलिन क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन है, तो आपकी ये प्रोटीन फॉर्मेशन को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इस तरह आपको जो है ये डायबिटीज काज कर सकता है। बस आप इतना डिटेल में ना जाए, सिंपल आप इसकी देख लेंगे, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। ठीक है, जहाँ पे जो जिस चीज का पता नहीं है, मतलब पता होना चाहिए, मैं बताता जा रहा हूँ कि मतलब कि इस डिजीज का कम से कम, बाकी हम इसको डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? पैथो में पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस में। बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काज करा सकते हैं, बस डिजीज के बारे में हल्का हल्का बता भी रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो कि ये डिजीज होती क्या है, थोड़ी उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। अच्छा, नोट्स में देखें, बोथ कैल्शियम इनहिबिटर्स आर हाईली नेफ्रोटॉक्सिक, ये याद आपने याद रखनी है कि भले वो टैक्रोलिमस हो या फिर साइक्लोस्पोरिन, दोनों क्या होती है आपकी? नेफ्रोटॉक्सिक होती है, स्पेशली इन हायर डोजेज। अगर हायर डोज में आप लेंगे तो ये पेशेंट में विद डिक्रीज रेनल फंक्शन, तो आपको जो रेनल फंक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेफ्रोटॉक्सिक हो जाएगी, आपका फंक्शन उसका कम हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट हमारे पास है सीरोलाइमस रैपामाइसिन, ये क्या होती है? एमटोर इनहिबिटर होती है, ये वही बाइंड्स FKBP, ये हमने नीचे भी देखा है, ब्लॉक्स टी सेल एक्टिवेशन एंड बी सेल डिफरेंशिएशन बाय प्रिवेंटिंग रिस्पांस टू इंटरल्यूकिन 2, ये उसका रिस्पांस नहीं करने देगी। ठीक है, क्योंकि ये एमटार जो है ना वो रिस्पांस करता था ना उसको इंटरल्यूकिन 2, ये भी हमने नीचे देखा है, ये देखें ये आके इसके ऊपर एक्ट किया, तो ये देखें यही पढ़ रहे हैं ना हम, ये देखें तो ये इसको ये यहां से सिग्नल जाता था, ये इसको इनहिबिट कर रहे हैं तो सिग्नल आगे नहीं जाएगा, रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा वो उसको। समझ आ गया? अच्छा, ये इसको हम यूज करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रोफिलेक्सिस में, उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन, तो हम उसमें इसको यूज करते हैं, स्पेशली सर्बसल्स किडनी ट्रांसप्लांट, तो मतलब इसमें आप इसको बस ये देख लें कि आप इसको किडनी ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं, ये याद करने का नमूने लिखा हुआ है। ठीक है, सारे से मतलब सिर रैपामाइसिन, तो ये उसमें आ रहा है। ठीक है, और ये पेंसर टोपिनीमिया, ये नमूने लिखा हुआ है, बेसिक क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? पैनसाइटोपेनिया, कि आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो नंबर में कम पड़ जाएंगे। ठीक है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन को क्या करेगा? ये रेजिस्ट करेगा, तो आपको क्या हो सकती है इससे? डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, ऊपर वाली क्या थी? नेफ्रोटॉक्सिक, ये डिफरेंस आप नेफ्रोटॉक्सिक वाला डिफरेंस आपने याद रखना है, सीरोलाइमस और आपकी साइक्लोस्पोरिन क्या कराती है? नेफ्रोटॉक्सिक, लेकिन आप सॉरी सीरोलाइमस तो नहीं कराती, सीरोलाइमस नहीं कराती, आपकी टैक्रोलाइमस और आप साइक्लोस्पोरिन क्या कराती है? नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अच्छा, किडनी सर्वाइव्स सिनर्जेटिक्स विद साइक्लोस्पोरिन आल्सो यूज्ड इन ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, ये क्या होते हैं? सिनर्जेटिक क्या होता है? सिनर्जेटिक मैंने ऊपर पहले बताया है, ये पहले हमने पढ़ा था, हमने कहा था कंबाइन, इनका कंबाइन इफेक्ट। सिनर्जेटिक होता है कि दो ड्रग्स को इकट्ठे मिला देना ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए,
दो ड्रग्स को इकट्ठे मिला देना ताकि उनका फंक्शन बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड सिनर्जेटिक। और ये क्या होता है, इल्यूटिंग स्टेंट्स इस तरह होता है कि आप जो डिजीज आपकी नैरो, हाँ वेरी गुड डॉक्टर, जो आपकी ब्लड वेसल्स नर्व की पड़ी है तो उसमें आप एक स्टेंट डाल देंगे, वो स्टेंट क्या करेगा, हल्की हल्की मिकदार में आपका निकालता रहेगा, आपके ये ड्रग को रिलीज करता रहेगा। ड्रग आपने स्टेंट के अंदर रखी हुई है, वो जो स्टेंट है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में ड्रग निकालता रहेगा, और वो ड्रग एज ए इम्यूनोसप्रेशन यूज होगी या आपकी इनकी वेजोडाइलेशन में यूज होगी ब्लड वेसल। ठीक है, समझ आ गया स्टेंट, ये लूटिंग स्टेंट्स क्या होते हैं। स्टेंट्स अब जो नैरोड जैसे कोरोनरी आर्टरी है या कोई नरोड आर्टरी है जो नर हुई पड़ी है, आप उसके अंदर स्टेंट डाल देंगे, वो स्टेंट थोड़ी थोड़ी मिकदार में ड्रग बाहर निकालता रहेगा और ये ड्रग एक्ट करती रहेगी, या तो इम्यूनोसप्रेशन एक्ट करती रहेगी या फिर आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिलेक्सिमैब या फिर इसको टेक्लिजुमैब भी बोलते होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या मतलब होता है कि सिंगल स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि एक यूनिक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल से बनाई गई है, लैब के अंदर प्रिपेयर की गई है। ब्लॉक्स इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, ये आपको पता है। साइड इफेक्ट्स एडिमा है, हाइपरटेंशन है, ट्रिमर है। ट्रिमर क्या होते हैं, ट्रिमर क्या होते हैं, ये ऐसे आपकी कपकपाहट सी होती है आपको, दैट इज कॉल्ड ट्रिमर, जैसे झटके से लगते हैं, नहीं नहीं पता, शॉक टाइप झटके से लगते हैं आपको, दैट इज कॉल्ड ट्रिमर्स। अजिथियोप्राइन क्या होती है, एंटी मेटाबोलाइट यानी मेटाबोलिज्म को डिस्टर्ब करती है। प्रीकर्सर ऑफ 6MP इनहिबिट्स लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन बाय ब्लॉकिंग न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, याद है जिथेप्राइन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को रोक रही थी। अच्छा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है। क्रोन्स डिजीज क्या होती है, क्रोन्स डिजीज इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम, पता है इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम, ये आपकी जो गट में होती है, आपके बोवल में आपकी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में बोवल सिंड्रोम होता है, कि आपको बोवल सिंड्रोम तो अब आपका इकट्ठा सा हो जाता है वहां पे, जो है ना वो आपका फुजला जो है ना इकट्ठा सा हो जाता है, स्टूल इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे एक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन सा होने लगता है, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो बस ये देख लें कि इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम होता है आपकी GIT में लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसका सिंड्रोम होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोन सिंड्रोम। बस नाम देख लें, डिटेल्स हम पैथो में पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का तो पता है, ये तो पता ही होगा आपको, बता भी देता हूँ, हाँ पीछे मैंने पढ़ा, जो नेफ्रान का जो ग्लोमेरुलस है वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। साइड इफेक्ट क्या है, पैनसाइटोपेनिया हो जाएगा। 6MP डिग्रेडेड बाय ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज, ये चीज थी जो आपको बतानी थी, बताना भूल गया था। पैनसाइटोपेनिया आपके वो व्हाइट ब्लड सेल्स कम पड़ जाएंगे। ये एजिथियोप्राइन का, एजिथियोप्राइन किस में चेंज होती थी, 6MP में। अब इस 6MP को हमने डिग्रेड करना है, इसको क्या करना है, हमने डिग्रेड करना है, इसकी तोड़फोड़ करनी है और इसको सेल से बाहर क्या करना है, हमने एक्सक्रीट करना है। क्या करना है, एक्सक्रीट करना है, तो हम किसकी मदद से करते हैं, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से, ये एंजाइम इसको कर देता है वो। अच्छा, वो कहता है टॉक्सिसिटी इंक्रीज बाई एलोप्रिनोल। एलोप्रिनोल इसका कंट्रा इंडिकेटर होता है, क्यों, क्योंकि अगर हमने एलोप्रिनोल दे दी तो एलोप्रिनोल इसके मेटाबॉलिज्म के साथ इफेक्ट करता है, यहाँ पर एजिथियोप्राइन के साथ, ये एजिथियोप्राइन का कंट्रा इंडिकेटर है एलोप्रिनोल। अगर हमने एलोप्रिनोल दे दिया वो इसके साथ इसके मेटाबॉलिज्म में इस तरह इफेक्ट करेगा कि आपका 6MP बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 6MP बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब आपकी बॉडी में 6MP बढ़ जाएगा तो वो टॉक्सिक बन जाएगा, तो वो फिर क्या काज करेगा, टॉक्सिसिटी काज करेगा। कौन सी, बस आप इधर ये याद रखें कि एलोप्रिनोल क्या होती है, एलोप्रिनोल को जब हम, अगर ये कंट्रा इंडिकेटेड होती है इसके साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माइकोफिनोलेट मोफेटिल। इसमें क्या है कि रिवर्सली इनहिबिट्स IMP डीहाइड्रोजिनेज प्रिवेंटिंग प्यूरीन सिंथेसिस ऑफ बी एंड टी सेल्स। ठीक है, लुपस नेफ्राइटिस क्या होती है, SLE का नाम सुना हुआ है, सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस। अगर SLE नहीं सुना हुआ, SLE डिजीज का सबसे मेन क्या होता है सिम्टम, बटरफ्लाई, वेरी गुड, बटरफ्लाई रैशेस होते हैं यहाँ पर आपके ना, बटरफ्लाई रैशेस बन जाते हैं आपके, बटरफ्लाई, तो ये आपका नाक है तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई रैशेस बन जाएगा। ठीक है,
तो सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस आपके नेफ्राइटिस में भी होती है, अगर ये वहां पर हो तो इसको बोलेंगे लुपस नेफ्राइटिस। जीआईटी अपसेट इसका साइड इफेक्ट है, पैनसाइटोपेनिया, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया किसे बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, क्या डायबिटीज, डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल अप कर जाना, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। लेस नेफ्रोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक, तो ये नेफ्रोटॉक्सिक ये भी नहीं होती। एसोसिएटेड विद इनवेसिव सीएमवी इंफेक्शन, ये वायरस के इंफेक्शन होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये एसोसिएटेड होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट्स एनएफ कैपा बी, सप्रेस बोथ बी एंड टी सेल फंक्शन बाय डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैनी साइटोकाइंस, इंड्यूस टी सेल एपोप्टोसिस। समझ आ गया, ये सिंपल से हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैनी ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, एड्रिनल इंसफिशियंसी, अस्थमा, CLL, CLL क्या होता है, क्रोनिक ल्यूकोसाइट लैम्फोमा, क्रोनिक ल्यूकोसाइट लैम्फोमा, नॉन हॉजकिन लैम्फोमा, ये भी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है, ठीक है, तो ये उसमें क्या होते हैं, ये उसके साइड इफेक्ट, उसमें सॉरी उसमें ये यूज करते हैं, इंडिकेशंस हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम क्या होती है, इसमें आपका कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इसके लिए कंट्राइंडिकेटेड है, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ये। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, बोन्स में, हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज, एमिनोरिया क्या होता है, हाँ, आपका जो फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी, वो एड्रिनल, वो क्या हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, वो रुक जाता है, हाँ, एड्रिनोकॉर्टिकल एट्रोफी, क्या आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं उनमें एट्रोफी हो जाएगी, एट्रोफी मतलब सेल्स का कम हो जाना, पेप्टिक अल्सर्स होंगे आपको, साइकोसिस आपका, मेंटली प्रॉब्लम, कैटरेक्स आपकी आंखों, आंखों का प्रॉब्लम होगा आपको, एवैस्कुलर नेक्रोसिस, एवैस्कुलर फेमोरल हेड, एवैस्कुलर नेक्रोसिस ये होती है कि आपकी जो बोन है ना, आपकी बोन को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, बोन को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, दैट इज कॉल्ड एवैस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये फेमोरल हेड को इस सूरत में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे तो जो आपकी फेमोरल बोन का जो हेड होता है ना उसको नहीं जाएगी। अच्छा जी, इसमें डीमार्जिनेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉजेस आर्टिफिशियल ल्यूकोसाइटोसिस। ये मार्जिनेशन क्या होती है, यहाँ पे लफ्ज है डीमार्जिनेशन, मार्जिनेशन क्या होती है, याद करें इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन में याद करें, इन्फ्लेमेशन में याद करें, ये ब्लड वेसल है, हमने कहा था पहले वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन के बाद इस तरफ ब्लड का मूव बढ़ जाता है, बी सेल्स और टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स इस तरफ मूव करते हैं। उसके बाद एक लफ्ज पढ़ते हैं हम इन्फ्लेमेशन में, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन का मतलब होता है कि आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं ये मार्जिन की तरफ मूव कर जाते हैं, किस तरफ, जो ब्लड वेसल्स के मार्जिन हैं उनकी तरफ मूव कर जाते हैं, जितने भी है मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, ये मार्जिन की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब उनके किनारों की तरफ, ब्लड वेसल्स के किनारों की तरफ मूव कर जाते हैं, ताकि वो उन्हीं किनारों की, उन्हीं एंडोथेलियल्स की लाइनिंग से बाहर निकलकर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंच सके, जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पर ये पहुंच सके, दैट इज कॉल्ड मार्जिनेशन। वही मैं कह रहा हूँ, ये इन्फ्लेमेशन पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे मार्जिनेशन, ठीक है, ये पैथोमा की बुक में इसको बड़ा जबरदस्त करके लिखा हुआ है डॉक्टर शैल सदार ने। तो मार्जिनेशन क्या होती है, कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के मार्जिन की तरफ मूव करके आते हैं ताकि वो वहां से बाहर निकल सके एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है डीमार्जिनेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स किनारों की तरफ, जब किनारों की तरफ मूव नहीं करेंगे तो वो साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जाएंगे, मतलब वो ब्लड से बाहर नहीं जाएंगे। अगर वो ब्लड से बाहर नहीं जा रहे, मतलब ब्लड के अंदर अकोमुलेट हो रहे हैं, तो क्या हो रही है, लीकोसाइटोसिस हो रही है, मतलब ब्लड में आपके इम्यून सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो इस तरह आपको लीकोसाइटोसिस हो जाती है, क्योंकि डीमार्जिनेशन होगी, वो किनारों की तरफ मूव नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद है एड्रिनल इनसफिशियंसी, मे डिवेलप इफ ड्रग इज स्टॉप्ड abruptly after chronic use, एक लंबे अरसे तक आप इस ड्रग को यूज करते रहे हैं, फिर उसके बाद आपने अचानक से इसको रोक दिया है, तो आपको जो है ना क्या हो सकती है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। क्यों, वो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो खुद स्टेरॉइड्स होते हैं, हमने स्टेरॉइड्स अचानक से रोक दिए, जब हम उसको स्टेरॉइड्स दे रहे थे, तो हमारे एड्रिनल को काम नहीं करना पड़ रहा था,
ऐसे कि नहीं, ये ज्यादा काम नहीं कर रहा था, उसके साथ स्टेरॉइड्स हैं पड़े, मैंने काम नहीं करना। जब हमने ये अचानक से रिमूव कर लिया तो ये तो काम नहीं कर रहा, एड्रिनल हार्मोन्स बना ही नहीं रहा, तो एड्रिनल इनसफिशियंसी होगी अचानक से। तो हमने जब इनको हटाना है तो फिर ऐसा ऐसा स्टेरॉइड्स को रिमूव करना है ऐसा ऐसा ऐसा, ताकि हमारा एड्रिनल जो है ना ये ऐसा ऐसा फंक्शन में आता जाए। ठीक है, उनमें भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो जिम के दौरान स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। स्टेरॉइड्स तो जिम के बगैर भी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा देते हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ करा लेते हैं, वो तो बाडी भी मेरे ख्याल में होता ही। हाँ हाँ, वो भी मतलब इनता ही अजीब गरीब किस्म की उनकी बाडी बन जाती है ड्राउन इसी। समझ आ गया है ये? कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस एंड क्लिनिकल यूजेस, और बस कल आखिरी होगा थेरेप्यूटिक एंड एंटीबॉडीज, ये थोड़ा सा है, इसको हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे, और परसों से इंशाल्लाह ताला बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का यहाँ तक, आप लोगों को समझ इन ड्रग में किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ ना आया, समझ आ गया? पक्की बात है, चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।